बातें होती हैं। आप शुभमन गिल को लोगे या फखर जमान को लोगे? फखर जमान को लूंगा एनी डे। ठीक है, आपका फखर जमान को लूंगा एनी डे। नहीं, आपका चॉइस है, अच्छी बात है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना सर, जो आपने अभी कंसिस्टेंट वाइट चैनल था स्पोर्ट्स, और उनकी जहाँ पे मैं इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे, मैंने कितनी बार कहा पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, टीम जीतती है उसकी कप्तानी में, तब भी बाबर को कहते हैं इसको क्या हरा दिया, 100 बनाता है, ये क्या 100 हुआ, 90 बॉल में 100 हुआ, ठीक है। बट बाबर ने ये भी फेस किया, ये पर्ची का दोस्त है, ये इसके दोस्ती करता है। बाबर ने टीम वो बनाई, बाबर आजम ने आता था एक टूर्नामेंट में, वो इंडिया से पहले हारता था और फिर कम बैक करता था, उसे तो इंडिया कम बैक करे। तो आप एडमिट करो कि यू आर अंडर कुक्ड, वही चीज है, आपको एडमिट करो ना। वो आप इंडिया में क्या होता है, वही सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को इतना वो बरगला देते हैं, इट्स अ गुड टीम। हाँ, पाकिस्तान ये वाइट चैनल था स्पोर्ट्स, और उनकी जहाँ पे मैं इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे, मैंने कितनी बार कहा, मैंने पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान को हल्के में मत लो। और आप देखो जो बात करते हो ना, हाँ तजुर्बा था इंडिया के पास 1200 वनडे का, बट यू आर एजिंग सुपर स्टार्स, आप क्यों नहीं खेल रहे थे भाई? आप जब T20 थी उसमें फुस हो गए, आप T20 के टाइम पे वनडे नहीं खेलते थे, वनडे आया तो वनडे भी नहीं खेलते, वनडे क्यों नहीं खेले आप वेस्ट इंडीज में? क्यों? क्योंकि आपके कोच और कप्तान ये देखना चाहते थे कि 12वां 13वां 14वां 15वां कैसा होगा। आपको 12 13 14 15 की बड़ी ध्यान होती है, आपको आप 11 देखते नहीं, 11 के पर मैं शेष अय्यर को ब्लेम नहीं करता, कोई बात नहीं, शेष अय्यर आउट हो गए, आपने कहा छोटी बॉल में डर जाओ, और भाई ये तो एक्सपेक्टेड था, वही मैं कह रहा हूँ, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आप तो केएल राहुल को आप फंसाने के चक्कर में, बिल्कुल सारी टीम आप बेड़ा गर्क कर दी है, वनडे आप उनको खेलने नहीं दे रहे हो जिनको आपको अल्टीमेटली खिलाना पड़ेगा, जिन जो होंगे नहीं ना एंड मौके पे, उनको आपके चक्कर में वेट करो। इवन आपकी कॉम्पोजिशन जो आपने 17 रखी है, तमाम चीजें जो भी चीजें, एक बार स्कोरबोर्ड फिर से दिखा देते हैं क्या कुछ हुआ है, तो आपके सामने तस्वीर यही है, रोहित शर्मा टीम जीतती है उसकी कप्तानी में, तब भी बाबर को कहते हैं इसको क्या हरा दिया, 100 बनाता है, ये क्या 100 हुआ, 90 बॉल में 100 हुआ, ठीक है। बट बाबर ने ये भी फेस किया, ये पर्ची का दोस्त है, ये इसके दोस्ती करता है। बाबर ने टीम वो बनाई, बाबर आजम ने मैच से पहले का येलो 11, ये है इंडिया, ये है इंडिया ने 11 की अनाउंस, नहीं बाबर आजम का येलो 11, अहमद आ जाओ, वही है ना सर, धीरे धीरे टीम, आज बाबर ने टीम बनाई है आपने, बिल्कुल आपके कोच और आपकी मैनेजमेंट, आप सिलेक्टरों को भी क्या बोले, सिलेक्टरों की तो चलती भी नहीं होगी, क्या टीम क्या बना रहे हो यार, वॉट इज इट दैट यू हैव। जिस दिन आज से 1.5-2 साल पहले इंडियन क्रिकेट ने ये कहा था ना हमारे पास 40 प्लेयर हैं, अंदर से आवाज आ गई थी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, अहंकार आ जाता है, हमारे पास 40 प्लेयर हैं, आज आप कहां है वो 40 प्लेयर, 15 आज आप कहते हो केएल राहुल एक टांग से तू भी आ जा, श्रेयस अय्यर एक टांग से तू भी आ जा, प्रसिद्ध कृष्णा एक टांग से तू भी आ जा, बुमराह एक टांग से तू भी आ जा, 4 तो आपने इंजर्ड प्लेयरों को रखा हुआ है, यू आर सो शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, यू डोंट हैव, आपके पास तो है ही नहीं है कुछ, आपके स्क्वाड कीपर नहीं है, आपके पास कीपर नहीं है, उसमें रिजर्व कीपर नहीं है, एक्स्ट्रा वो यंगस्टर है, हो सकता है हिंदुस्तान के कप्तान बने, ये करे वो, क्या वो टीम में डिजर्व करते थे, या संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए था, होना तो संजू सैमसन को चाहिए था, तो क्यों आपकी सिलेक्शन जो पता नहीं सिलेक्टर करते हैं कोच कप्तान जो, Why are they always allowed? सर हर महीने टीम बदलती है यहाँ पे, क्यों बदलती है? तो प्लेयर मैं ये जानना चाहता हूँ, इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी है, राहुल से मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया में राहुल क्रिकेट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा ही बड़ी, तो और भी बड़ा होता है, सुपरस्टार्स बनते हो आप, एक यंगस्टर भी बन जाता है, फिर वो आपकी डील्स भी होती हैं, क्या ये वजह है कि आप 575 प्लेयरों को कैप दे देते हो एक साल में, तू भी इंडिया तू भी इंडिया तू भी इंडिया तू भी, मैं तो ये बात जब तिलक वर्मा को आपने जब 17 मेंबर स्क्वाड या फिर आप वेस्ट इंडीज, ठीक है 100% होगा, बट अभी उनका टाइम नहीं था, अभी वो आप कह रहे हो क्या वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, मैं कहता हूँ हो जाए बहुत अच्छा है, वो 11 खेलेंगे हो जाए बहुत अच्छा है, बट कंपैरेटिवली संजू सैमसन का रियलिस्टिकली ज्यादा चांस था, और आपको जरूरत किसकी है इस वक्त, संजू सैमसन के या तिलक वर्मा की? संजू सैमसन के 2 फेलियर हमें दिख जाते हैं, 3 फेलियर, जो बाकी जो है वो जो बनाते नहीं है वो तो नहीं दिखता हमें। मैं बताऊं यार, क्योंकि हम ना हजम नहीं कर पाते, हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, आज सबको गुस्सा चढ़ा है, आज वहां 70,000 लोग आ जाएंगे, कल को ये मीम्स बना के हमें गालियां डलवाएंगे,
75 कल क्या होगा, कल क्या होगा कि आज आप सच बोल रहे हो कड़वा, कल इन्हीं में से कोई एक प्लेयर वो आके रन बना देगा और उस दिन उसके 42 रन होंगे या 62 रन होंगे तो आपको मुंह पे चपेड़े मारी जाएंगी। भाई साहब वेक अप, मैं 2-3 साल से T20 का रोता रोता मर गया। मैं तो कुछ भी नहीं हुआ था, फैन हूं मैं तो, एक फैन हूं। मैंने कहा T20 नहीं है बॉस फ्यूचर। आज भी आप वहीं पर खड़े हो, आज भी कौन सा प्लेयर है जो कहता है कि मैं T20 नहीं खेलूंगा? सब खेलना चाहते हैं, परफॉर्मेंस है नहीं। आपका फोकस कहाँ है ये नहीं पता। आपने पिछले 1.5-2 साल में एक तो मन मर्जी के रेस्ट लिए जाते हैं, कभी कोई इंजर्ड हो जाता है तो ये नहीं पता होता है कि इंजरी के किस बात की है, उसके बाद उनका इंजरी मैनेजमेंट क्या है आज तक, ये तो मतलब क्या हो गया, ये तो एक मिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये नहीं पता है कि निगल क्या है KL राहुल को, जो आप बोल रहे हैं ना प्रैक्टिस, जो BCCI ने मना कर दिया जी नहीं कोई नहीं आया, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी कुछ आया। यार अजीत अगरकर चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, एक पेड सैलरीड जॉब है, एक अकाउंटेबल जॉब है उनकी, उन्होंने वहां पे बोला है साफ साफ कि भाई मैं ऑथराइज नहीं हूं, आपको BCCI उनकी मेडिकल अपडेट देगी। क्या वो जो 1,40,00,000 जो सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप देखिए दुनिया भर में जो आपके जो स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, क्या उनको ये जानने का हक नहीं है? ये जो आपने कल कितनी 6,000 करोड़ की जो डील करी है, जो होम सीजन अगले 5 साल का, 50,000 जो IPL करोड़ जो IPL के मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप देखते हो, जो लोग देखते हैं, इसलिए क्यों? क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है उसको यकीन है कि लोग देखेंगे टेलीविजन, जब ये क्रिकेटर्स मैच खेलेंगे उस हिसाब से आपकी हम बम्बार्डमेंट करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, स्पॉन्सरशिप्स की, ये सब चीजें। बट ठीक है, और दूसरी बात आप ये देखो ना यार, एक तो रेस्ट ये वो, सो कोच रेस्ट ले रहे हैं यार आजकल, ये नया जिन्होंने शानदार शतक से किया है, जिस एशिया कप, लास्ट एशिया कप उनका खराब रहा था, उसी को एक बार फिर से रिकवरी मोड पर बाबर आजम लेकर गए हैं और नेपाल के खिलाफ अपने पहले ही मुकाबले में शानदार शतक के साथ बाबर आजम ने आगाज किया है। इस शानदार शतक के साथ बाबर आजम ने कई और बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि बाबर आजम ने एक बार फिर से मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को संकट से उबारा और उसके बाद शानदार बल्लेबाजी की, जो भी खिलाड़ी आए उनके साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और अंत में इफ्तिकार चाचू के साथ उन्होंने शानदार अर्धशतकीय साझेदारी कर 200 की पार्टनरशिप हो गई। कितने में? 128 बॉलों पे 20 ओवर में 200 प्लस की पार्टनरशिप करिए 20 ओवर में, सुपर ब्लॉक।